बोला था ये बंदरों की तरह कूद रहे हैं। ठहर जा बहन, थोड़े दिन बाद वापस इसी लाइन में आ जाएंगे। ये जो गाड़ियां ला रहे हैं ना, ये कंपनी वाले खचेड़ के ले जाएंगे। आग लगती थी अंदर सुन के, बहुत दर्द होता था, लेकिन कभी भी उनको पलट के जवाब नहीं दिया, उनको अपनी सफलता का जवाब दिया। और आज वो सारे लोग जिन्होंने नंबर ब्लॉक किए थे, जिन्होंने रास्ता रोका था, जिन्होंने मजाक उड़ाया था, आज वो सारे लोग हमारी टीम में आकर काम कर रहे हैं। सब कार अचीवर बन चुके हैं, सब हाउस अचीवर बन चुके हैं। तो क्या आप अपना मजाक उड़वाने के लिए तैयार है? आर यू रेडी? क्या सच में बिन बंदिश बिन सीमा अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार है? दोस्तों मत पड़ना किसी चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर के चक्कर में। जब पहला चेक आया था 130 रुपए का, मुझे भी इस डायरेक्ट सेलिंग पे विश्वास नहीं था, लेकिन मेरे को जिसने ज्वाइन कराया वो पता है कौन है? वो साक्षात भेजा हुआ भगवान का दूत है, मेरी भाभी, मेरी गुरु माँ। एक बार जोरदार तालियां नेहा जी के लिए होनी चाहिए, जिन्होंने छोटे छोटे टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। और आज लोग कहते हैं ना, ननद भाभी का रिश्ता बदनाम होता है, लेकिन मेरा मेरी भाभी का रिश्ता माँ बेटी का रिश्ता है, माँ बहन का रिश्ता है। इस तरह से निभाते हैं हम दोनों कि हमें हम दोनों मिलके, नेहा जी और मैं मिलके पूरे हिंदुस्तान पे नहीं पूरे वर्ल्ड पे राज करने वाले हैं। क्योंकि मेरी अपलाइन कौन है? नेहा जी। और उसके बाद में अपने गुरुओं का, बलदेव सर, सिमरन मैम, अक्षी जी, दिग्विजय जी और आरती मैम, जो पग पग पे हमें कोई भी हमारी टीम में कोई भी अचीवमेंट आती है ना, हर बार फोन करके हमारे को शाबाशियां देते हैं। तो एक बार दिल खोल के लिए ताली हो जाए और खड़े होके तालियां हो जाए। एक बार सब अपनी सीट छोड़ दें और मेरे गुरुओं के लिए तालियां बजा दें। जोरदार तालियां मेरे गुरुओं के लिए। और थैंक यू सो मच थैंक यू। क्योंकि एक अपलाइन एक ऐसी चीज है जो हमें आम इंसान से खास इंसान बना सकती है। मेरा जब पहला चेक आया था तो विश्वास हो गया था कि हाँ मोदी केयर पैसा देता है, अब इसको 1 करोड़ पर मंथ कौन कर सकता है? मैं, मेरी मेहनत और अपलाइन के दिखाए हुए रास्ते पे लगातार चलती गई। और नेहा जी ने बोला, राधा एक ऐसी लड़की है जो 4,14,000 रुपए महीना कमाती है, जो अपने फादर को विटारा विरजा गिफ्ट कर चुकी है, 70 लाख का घर दे चुकी है। पूरे रास्ते मुझे वो बताती हुई जा रही थी। मैं कह रही पता नहीं इतना क्यों फेंकते हैं लोग, कि ऐसे भी होता है। वहां पे एक ऐसे सेमिनार में बैठी हुई थी और वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन मेरे दिमाग में किसको भरा गया था? अक्षय दत्ता को। तो जब वहां पे सारे लोग अपने अपने अचीवमेंट बता रहे थे तो मैं भी देख रही थी कहां है वो लड़की। अब वो जैसी स्टेज पे आई और जब वो चीख चीख के बता रही थी तो मेरे सर पे से तो तोते उड़ रहे थे। भाई ऐसा ये क्या कर रही है जो मैं नहीं कर रही? मैंने 12 साल पार्लर चलाया, इतनी मेहनत करी, मैं नहीं 4 लाख पे पहुंच पाई, ये क्या कर रही है? बस उस दिन से अपना रोल मॉडल बनाया मैंने इनको और उस दिन से इनके पीछे पीछे हूँ। मेरा 5 लाख आ गया, ये 14 लाख पे पहुंच गई। तो ये तेजी में है थोड़ा सा। और इसकी वजह आपको बता दू, अभी परसों ये चंडीगढ़ में थे छोटे से बच्चों के साथ में। लोग अपने बच्चों को अपनी कमजोरी बनाते हैं, इन्होंने अपनी ताकत बनाया हुआ है। और वो बच्चा भी डेमो प्लान दे रहा था और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि अपलाइन हो तो ऐसे एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए मेरे अपलाइन के लिए। और उनको देख देख के उन्हीं के एक्शन पे काम कर रही हूँ। पहली गाड़ी XUV300 आई थी, लोगों ने बोला था अपने पैसों से लाके खड़ी कर दी होगी। फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर तीसरी गाड़ी आई, फिर चौथी गाड़ी आई, फिर पांचवी गाड़ी आई और 25 कार मोदी केयर से फ्री में मेरी टीम में गाड़ियां आ चुकी है। और एक और बहुत प्यारी सी गाड़ी मेरे घर के आंगन में आ रही है, जो कि 11 दिसंबर को फाइनल सब कुछ हो गया है, बस बुकिंग करानी है और उसकी 6 महीने बाद डिलीवरी हो रही है, जिसका नाम है मर्सिडीज, जो कि मेरे घर के आंगन में एक और गाड़ी आ रही है। दोस्तों क्या मैं पार्लर चला रही थी? मेरे हस्बैंड 18 साल नौकरी करी, क्या हम ये कर पाते? कोई सोच सकता है कि मैं 1.5 करोड़ के घर में रह सकती थी? एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे फादर लोग किसान है, मेरे हस्बैंड छोटी सी नौकरी करते थे, बस उसी में गुजारा चल रहा था। लेकिन आज मोदी केयर ने इतना बड़ा लग्जरी हाउस भी दिया है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो मोदी केयर ने मुझे दी है। दोस्तों करना क्या है? सिर्फ डेमो देने, सिर्फ प्लान देना है और अपनी टीम के साथ अच्छे रिलेशन निभाकर चलना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ साथ आपकी टीम की भी ग्रोथ लगातार होती चली जाएगी, लगातार होती चली जाएगी। क्या तैयार है? Yes! क्या एक्साइटेड है? Yes! दोस्तों
अपने कदमों को बढ़ाकर देखो। जब मैं ये बोलूंगी लोग, तो आप बोलना है ना, अपने कदमों को बढ़ाकर देखो, क्योंकि लोग नीचे गिराने के लिए है ना। अपने सपनों की उड़ान को भर के देखो, क्योंकि लोग गिराने के लिए।